वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी BN सिंह, सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी शैलेश कुमार श्रीवास्तव, मिड डे मील योजना के जिला समन्वयक दीपक पटेल, सर्व शिक्षा अभियान के समन्वयक विवेक जायसवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बेसिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने विभाग द्वारा संचालित मिशन प्रेरणा, ऑपरेशन कायाकल्प, सामुदायिक सहभागिता, मानव संपदा पोर्टल, विद्यालयों के निरीक्षण, मध्याह्न भोजन योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय समेकित शिक्षा सहित 11 बिंदुओं की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सर ऐसा हमारे वहाँ 100% आपूर्ति हो गई है, लेकिन दो ब्लॉकों में जो वेंडर था वो स्वेटर खराब भेजा था, इसलिए भेजा है तो दोनों ब्लॉक में अभी सर बट नहीं पाया है। बाकी पूरे जनपद में ओवरऑल वितरण तो कितने बजे आ रहे हैं वो? सर नहीं मिला सर, उसको चेक कर लीजिए। बच्चों तक पहुंच गया है, केवल स्कूल तक पहुंचा है स्वेटर? नहीं, बच्चों तक सर पहुंच गया, हो सकता है जो ये बताएं यहाँ पर चेक कर लिया जाएगा। हो सकता है नहीं, इसको इंश्योर करिए कि पेरेंट्स को बुला करके, बच्चों को बुला करके और स्कूल स्तर पे और उनको दिया जाए स्वेटर आराम से। दो दिन के अंदर इसको सभी जिले इंश्योर करें। मांग लेते हैं, हो गया ब्लॉक से उठ गया, उसमें गारंटी जो है निर्धारित प्रारूप जो हमने गठन में भेजा है उसके आधार पर हमें भेज दी, जितने जल्दी हो सके भेज दिए ताकि हम सिद्ध कर दें कि वितरण हुआ है, कोई नेगेटिव नहीं है। प्रारूप निकालिए, टास्क फोर्स में दे दिया जाए कुछ लोगों को। आपूर्ति सर प्रस्तुत हो गई है सर, एक ब्लॉक में इशू था कि उसको रिप्लेस करना था, कमेटी की रिपोर्ट थी सर, और वितरण भी सर हो गया है, और सर जैसा कि सर कल फीडबैक से मिला है वो सर फीडबैक मैंने देखा है, सीएम सर से भी वार्ता हुई है, और आज से लेकर के कल तक सर हमारे सारे BU DC फील्ड में रहेंगे, और सर जैसा कि सर ने निर्देश दिया है टास्क फोर्स के लोग भी रहेंगे सर, और हम लोग सर फिजिकल वेरिफिकेशन भी सर करा ले रहे हैं सर। ये इशू हो सकता है कि स्कूल स्तर तक पहुंचा हो और बच्चों तक किसी स्कूल से नहीं पहुंच पाया हो सर, इसको हम लोग सर देख करके कल से परसों तक इंश्योर करा देंगे सर। जब स्कूल लेवल पे पहुंच जाता है तो एक मुनादी करने से लोग भीड़ लगा के आके ले लेंगे सर, वितरण के दौरान कोई दिक्कत नहीं आती है, तो मुनादी करना चाहिए। आप आज ही सारे हेडमास्टर्स को निर्देशन कर दिए व्हाट्सएप और सारे तंत्रों के माध्यम से फोन करा के कि तुरंत बंटवाए, वरना कार्रवाई हो जाए चलिए। शीत लहर के बाद आप बंटवाएंगे बता दे कितने भीड़ है ना। और शारदा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों के चिन्हांकन और नामांकन के लिए सभी जनपदों को टारगेट भेजे गए थे, पहले ये 5-14 साल के बच्चों के लिए भेजा गया था, लेकिन बाद में उसे परिवार के 514% चिन्हांकन के सापेक्ष 88%, बात करूंगा 7-14 उसकी, क्योंकि हमें विशेष प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है 7-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, तो उसके हिसाब से अभी तक टारगेट के साथ में जो नामांकन रोका जाएगा काम जो कर रहा है उसका, नहीं सफल नहीं हो पा रहा है इसमें, तो क्या नहीं हो पाएंगे आपके यहाँ सफल?